स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न करेंगे और पहला जो प्रश्न है वो है लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने से। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाभ और हानि होता क्या है, है ना। तो जो जब आप किसी भी दुकान पर जाकर कोई भी वस्तु खरीदते हो तो उस खरीदी गई वस्तु को हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जब आप उस खरीदी गई वस्तु को वापस बेचते हैं, क्या करते हैं? बेचते हैं, तो इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, एक तो क्रय मूल्य खरीदना, विक्रय मूल्य बेचना। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, ठीक, और उसे 120 रुपये में बेच दी, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आया? अब बताओ आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? भाई 100 रुपये में चीज़ आप लेकर आए और 120 रुपये में आपने बेच दी, तो आपको 20 रुपये का फायदा हुआ, है ना। तो ये जो 20 रुपये का फायदा हुआ इसे हम कहेंगे लाभ। क्या कहेंगे? लाभ। अब मान लीजिए कि आपने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और उसको 80 रुपये में बेचा, ठीक है, तो 100 रुपये आपका हो गया क्रय मूल्य, 80 रुपये हो गया आपका विक्रय मूल्य, और अब आप 20 रुपये का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे हानि, ठीक है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना? हमें लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना, यानी इसको प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है लाभ और हानि का? देखो, अगर मान लो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो इसका सूत्र होता है लाभ, ऊपर लाभ आएगा बट्टा नीचे आएगा क्रय मूल्य, और यहाँ गुणे में आएगा 100, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे, ये सूत्र लगाओगे, तो आपको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र सेम है, बस एक अंतर है। एक अंतर क्या है? यहाँ लाभ की जगह आएगा हानि, नीचे आएगा क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणा 100। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, ये पहला प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है? देखो, प्रश्न है, ए बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी। तो खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो हमारा जो क्रय मूल्य है, ठीक है, वो कितना हो गया? 250 रुपये, ठीक। फिर क्या करा? खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई, तो बेची गई को हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है? 325 रुपये। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य, है ना। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है तो आपको लाभ होता है। यहाँ साफ दिख रहा है कि हमें लाभ हो रहा है ना। तो लाभ कब निकलता है? लाभ आपका निकलता है जब आप विक्रय मूल्य में से, ठीक है, क्रय मूल्य को क्या करते हो? घटाते हो, तो आपको क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए मुझे विक्रय मूल्य कितना है? 325, है ना। विक्रय मूल्य कितना है? 325। ये 325 आपका हो गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 250, ठीक है। अब घटाएंगे तो घटाने पर कितना है? देखो, 5 में से 0 गया 5, फिर 12 में से 5 गए बचे 7, और 2 में से 2 गया 0, यानी 75 रुपये आपका क्या आया? लाभ आया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना? हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर आता है लाभ, नीचे आता है क्रय मूल्य, ठीक है, और यहाँ गुणे में कितना कर दो? 100। तो लाभ कितना आया? 75 रुपये, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ देखो, क्रय मूल्य है 250, और गुणा में कितना आ जाएगा? 100 रुपये। अब इसे हमें सरल करना है। सरल कैसे करना? देखो, यहाँ 0 है और गुणा में यहाँ 0 है, तो 0 और 0 तो कैंसिल हो जाता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में या इन दोनों में किसका पहाड़ा है। तो 25 का पहाड़ा हमेशा याद रखना, ठीक है, वो आपके खूब काम आने वाला है। तो देखो, 25 का पहाड़ा इसमें भी है और इसमें भी है, 25 एकम 25, ठीक है, और 25 त्रिया 75, 3 बार 25 का पहाड़ा बोलने पर यहाँ कितना आएगा? 3। तो यहाँ बचा 3/1, है ना। तो जब नीचे 1 आ जाता है तो हमारा सरल हो जाता है। अब हमें 3 और 10 का गुणा करना है,
जैसे ही हम 3 और 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 30, लेकिन अब ये क्या किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 30% हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बी है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया और 13,500 रुपये में बेचा गया, है ना, तो अब लाभ हुआ या हानि हुई, तो अब इसको समझना। देखो, जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 12,000 में हमने रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज हमने खरीदा, ठीक है, और उसको बेचा कितने में, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 13,500 रुपये। तो बताओ दोनों में बड़ा कौन, विक्रय मूल्य यानी बेचा, ये हमारा बड़ा मूल्य है ना। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तब हमें क्या होता है, लाभ। भाई खरीदा 12,000 में और बेचा 13,500 रुपये में, तो मुझे लाभ हुआ। और लाभ में जब हम विक्रय मूल्य में से यानी बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाते हैं तो हमेशा लाभ हुआ। कब, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य है 13,500 रुपये और इसमें से मुझे 12,000 रुपये को घटाना है, ठीक है। जैसे ही हम घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1,500 रुपये, यानी मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मुझे लाभ हुआ 1,500 रुपये का। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत का जो सूत्र है, लाभ प्रतिशत, कौन सा प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र है, ऊपर आएगा लाभ, नीचे आएगा क्रय मूल्य और गुणे में आएगा 100, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, 1,500 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, 12,000 रुपये पर, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 1 जीरो इस ऊपर से कट गया। अब ऊपर बचा हमारे पास 150 और नीचे बचा 12, तो हम 150 में 12 का भाग देंगे, तो 12 एकम 12, पीछे बचा 3 और ये 0, तो ये हो गया 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 बार, ठीक है, पीछे बचा 6। अब 12, अब कोई संख्या है नहीं तो यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0 और 12 पौनी 60, ठीक है, तो उत्तर आया 12.5। तो इसका भाग देने पर उत्तर आया 12.5%। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 रुपये में बेची गई, है ना। तो खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2,500 रुपये, ठीक है। बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 3,000 रुपये, ठीक है। अब कौन बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा। अच्छा, लाभ कितना है, तो लाभ आया 3,000 माइनस 2,500, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये, यानी मुझे लाभ कितना हुआ, 500 रुपये का हुआ। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है वो है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है, लाभ है 500 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 2,500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो यहाँ पर 25 एकम 25, 25 दूना 50 और ये 0 बच गया, यानी मेरे पास कितना बचा, 20, यानी 20% का मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये लाभ प्रतिशत हो गया, है ना। डी है, एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई, तो खरीदने को क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 250 रुपये, विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 150 रुपये में उसको बेचा। बताओ यहाँ बड़ा कौन है, बड़ा है क्रय मूल्य, तो अब की बार हमें यहाँ पर हानि हो रही है। देखो 250 में खरीद कर 150 में बेचा, नुकसान हो गया यानी हानि हो गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा रहे हैं, है ना। तो जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमें नुकसान यानी कि हानि होती है। अच्छा, क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपये, घटाने पर कितना आया, 100 रुपये, यानी 100 रुपये की हमें क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। तो अब मुझे क्या ज्ञात करना, अब मुझे हानि प्रतिशत ज्ञात करना, और उसका सूत्र क्या है, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100,
ये इसका सूत्र है। ठीक है, तो हानि कितनी है 100 रुपये की, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये गुणा 100, 10 से 10 गया। अब देखो 25 के पहाड़े में 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 4/1 आया। अब नीचे 1 आने पर यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब 4 और 10 का गुणा करो, 4 गुणा 10 यानी कितना आ गया 40%। अब की बार जो हमें हानि हुई वो कितनी हुई, 40% हुई। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर जो ये अनुपात में संख्या दी हुई है इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए पर्टिकुलर इसके स्टेप बाय स्टेप हमें इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर 3:1 का मतलब क्या है वो समझो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रोटी है, उसके मैंने 4 हिस्से किए, 4 हिस्से क्यों किए, 5 क्यों नहीं किए, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 4, यानी टोटल हिस्सा कितना है 4 है। उसमें से 3 हिस्सा आपके रंगीन है और 1 हिस्सा खाली है, बात समझ में आई। तो 3 हिस्सा तो आपके रंगीन हो गया और 1 हिस्सा खाली है। ठीक है, अब मुझे इसको मान लो बट्टे में बदलना है, तो एक टोटल कितने खाने भरे हुए हैं, 3 खाने भरे हुए हैं, कुल खाने कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कुल खाली कितने खाने हैं इसमें, तो खाली केवल 1 है ना, और कुल खाने कितने हैं 4, बात समझ में आई। रोटी के कुल टुकड़े कितने हैं 4, तो ये भी आपके भिन्न में बदल गया और ये भी आपके भिन्न में बदल गया। अब इसे प्रतिशत में बदलना है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 1/4 × 100 कर दो, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 3/4 × 100 कर दो, है ना। यानी इस प्रश्न को करने का एक तरीका होगा, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ए है 3:1, ठीक है, तो कुल भाग कितना हुआ, कुल भाग आपके इन दोनों को जोड़ दो, कुल भाग आ जाएगा, यानी 3 और 1 को जोड़ दो, कितना आ गया 4, तो कुल भाग आपका आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ है कि एक हिस्सा तो कितना हुआ 3/4, दूसरा हिस्सा कितना हुआ 1/4। ठीक है, तो इसका अर्थ एक तो आपके भिन्न हो गई 3/4 और दूसरी भिन्न क्या हो गई 1/4। अब इसे हम किस में बदलेंगे, प्रतिशत में। तो इनका देखो प्रतिशत में बदलने का क्या तरीका होगा, प्रतिशत में बदलने का तरीका, सबसे पहले 3/4 को गुणा करेंगे 100 से, ठीक है, और 1/4 को भी गुणा करेंगे 100 से। जब हम संख्या को गुणा करते हैं 100 से, तो वो राशि आपके किस में बदल जाती है, प्रतिशत में बदल जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो देखो 4 का पहाड़ा दोनों है, दोनों तरफ है, यहाँ पर तो 4 एकम 4, ठीक है, और यहाँ कितनी बार जाएगा 25 बार भाग जाएगा, इसको समझना, 3/4 × 100 है, तो दोनों में ही 4 का भाग जा रहा है। देखो 100 में 4 का भाग जा रहा है, 4 × 2 = 8, पीछे बचा 2 0, 5 = 20, कितनी बार गया भाग 25 बार, और नीचे 4 का भाग 1 बार, 4 एकम 4, तो यहाँ जब नीचे 1 आ जाता है तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब 3 और 25 का हमें क्या करना है, गुणा करना है, यानी 3 × 25 जब हम करेंगे तो ये आएगा 75%, यानी इसका तो प्रतिशत आया 75%, और इसको जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो नीचे कितना है 4 है, तो ये 1 और ये कितनी बार कटेगा 25, 25 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा 25%, तो 1 का हिस्सा आया 25% और दूसरे का हिस्सा आया 75%। एक बार इसको वापस समझो, देखो हमने क्या करा इसमें, सबसे पहले कुल भाग, ठीक है, तो कुल भाग आपका कैसे निकला, 3 + 1 = 4, तो ये आपका कुल भाग हो गया। अब हमने क्या करा, पहला हिस्सा क्या आएगा 3/4, दूसरा हिस्सा क्या आएगा 1/4, तो इसको हमने 100 से गुणा किया, ठीक है, वह दूसरे को भी 100 से गुणा किया, जब इसको हमने काटा तो ऊपर आया 25, इसको काटा तो अभी ऊपर आया 25, 25 का 3 से गुणा किया तो 75%, और 1 का 25 से गुणा किया तो ये आया 25%। तो ये 3 अनुपात जो है वो तो है 75%, और ये जो 1 अनुपात है वो है 25%, तो ऐसे हमें अनुपात में बदलना पड़ेगा, सॉरी प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। अब है बी, तो बी में देखो 2:3:5 कितना है, 2:3:5, तो यहाँ कुल भाग कितना होगा,
कुल भाग आपके 5 और 3 8, 8 और 2 10, कुल भाग आया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले भाग को 2/10 है ना, 2/10, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 3/10, और तीसरा भाग क्या हो जाएगा 5/10। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो पहले हम 2/10 को 100 से गुणा करेंगे, फिर 3/10 को 100 से गुणा करेंगे है ना, और फिर 5/10 को भी 100 से गुणा करेंगे, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इनका प्रतिशत कितना देखो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो नीचे एक बचा है, इसका मतलब नीचे तो कंप्लीट हो गया। अब 2 और 10 का गुणा करो, तो 10 के पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 20, तो ये हो गया 20%। 3 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो ये हो गया 30%। 5 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो ये हो गया 50%। टोटल 100% होना चाहिए। तो देखो 20 और 30 50, 50 और 50 100, तो ये आपके सब किस में बदल गए, प्रतिशत में बदल गए। अब हमारा है सी, तो सी क्या है, 1:4। तो यहाँ कुल भाग कितना है, तो कुल भाग हमारा 4 और 1 कितना हो गया 5। तो पहला हिस्सा कितना हुआ 1/5, दूसरा हिस्सा कितना हुआ 4/5। प्रतिशत में बदलना है तो 1/5 × 100, 4/5 को भी आप किससे गुणा करो 100 से, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 × 2 = 10, और ये 0, 20 बार जाएगा भाग, इसमें भी 5 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 का 1 से गुणा 20% आएगा, 4 का 20 से गुणा 80% आएगा है ना। तो ये आपके किस में बदल गए, प्रतिशत में बदल गए। अब है फोर्थ, तो ये है 1:2:5, ठीक है। तो कुल भाग कितना हुआ, तो यहाँ पर कुल भाग आपके देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, कुल भाग आ गया 8। यानी पहला भाग क्या हो गया, पहला भाग हो गया 1/8, दूसरा भाग 2/8, तीसरा भाग 5/8 है ना। तो पहला कैसे निकलेगा, 1/8 का गुणा करो 100 से, फिर 2/8 को गुणा करो 100 से, फिर 5/8 को भी गुणा करो 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। तो अब देखो 1 का 100 से गुणा आया 100, अब हमें इसमें क्या करना, 8 का भाग देना, तो 8 × 1 = 8, पीछे बचा 2 और यह है 0 है ना, 8 × 2 = 16, ठीक है, पीछे बचा 4, अब लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 8 × 5 = 40। तो भाग कितनी बार गया, भाग गया 12.5%, यानी उत्तर हमारा आया 12.5%। इसी प्रकार इसको भी हम 100 से भाग देंगे तो ये भी कितना आएगा 12.5, लेकिन अब की बार 12.5 का 2 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे 5 × 2 = 10, हासिल का 1 × 2 = 4 और 1 × 5, 2 × 1 = 2, फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ आएगा पॉइंट। इसका मतलब है 25.0 का मतलब कितना हुआ 25, यानी ये आपके कितना आया 25%। इसी प्रकार ये भी आपके कितनी बार कटेगा, 12.5 बार कटेगा, यानी भाग जाएगा। अब 5 का गुणा, 12.5 का गुणा 5 से करना है, तो 5 × 25 हसल के 2, 5 × 2 = 10 और 2 × 12 हसल का 1, 5 × 1 = 5 और 1 = 6, यहाँ लगेगा पॉइंट, क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो इसका कितना बना 62.5%। तो हमने सभी को क्या करा, प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट करने का एक तरीका है ना। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई अनुपात में संख्या आए और उसका प्रतिशत हमें निकालना हो इन दोनों का, तो कैसे निकालेंगे, 3/4, 1/4 और इसका 100 से गुणा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये आपके जो प्रश्न है लाभ हानि जैसा ही है ना। तो मान लीजिए जनसंख्या, मतलब मान लीजिए एक गांव है, वहाँ पर कुल 100 लोग हैं, ऐसे ही आपको मानना है ना, कुल 100 लोग हैं, फिर अगले महीने कितने लोग हो गए, 80 लोग हो गए, ठीक है, यानी उसकी जनसंख्या क्या हो गई, घट गई। कितनी घटी भाई, 20 घटी, पहले कितनी थी 100, तो ये किस पर घटी, 100 पर घटी। फिर आप इसका 100 से गुणा करो, तो 100 से 100 कटा, कितना आया 20%। तो जनसंख्या में कमी कितनी हुई, 20% कमी हुई। बात समझ में आई। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे लाभ हानि में हम क्या करते थे, मान लो 100 रुपये के आपने कोई भी
वस्तु खरीदी और उसे 80 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का नुकसान हुआ। कितने रुपए की थी आपके घर में, कितनी कितने की पड़ी थी, 100 रुपए की पड़ी थी, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया, 100 से 100 कट गया, कितना आया 20%, यानी आपको 20% की हानि हुई। तो ये हानि और लाभ से संबंधित प्रश्न ही है। आपको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना, घटाना है, फिर कितनी कमी हुई उसकी कमी को पहली वाली संख्या का भाग देकर प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या जनसंख्या बराबर कितनी थी, 25,000, ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात नगर की जनसंख्या कितनी हो गई, 24,500, ठीक है। तो जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी, कितनी कमी हुई कि भाई पहले 25,000 थी, उसके बाद 24,500 हो गई, तो दोनों को घटाया तो कितना आया, तो यहाँ पर ये आया, देखो 0 का 0, यहाँ भी 0, 10 में से 5 गया 5, यानी 500 जनसंख्या में कमी कितनी आई, 500 की कमी आई, है ना, यानी 500 लोग कम हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, घटने का प्रतिशत ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, तो घटने का प्रतिशत, प्रतिशत बराबर कितनी कमी आई, 500, किस पर कमी आई, पहले कितनी थी 25,000, तो हमें 25,000 पर चेक करना है, गुणा 100, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पर ऊपर भी 1 0 से 1 0 गया। अब देखो इन दोनों में 25 का पहाड़ा, 25 एकम 25, 25 दूना 50। अगर आपको ये प्रश्नावली करनी है तो आपको 25 का पहाड़ा याद कर लेना है ना, यानी उत्तर कितना आया, 2, तो कितनी कमी आई, 2% की कमी आई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी उसने एक कार खरीदी थी पहले, वो 3,50,000 में मिलती थी, है ना, फिर एक साल बाद में वो कार कितने की होगी, 3,70,000 की होगी, यानी 20,000 की उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आप चाहो तो सीधा उसकी कितनी वृद्धि हुई वो लिख दो, है ना, या उसको लिखने से पहले हमें ये सब लिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है ना। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था कार का, प्रारंभिक की जगह यहाँ पहले का मूल्य भी आप लिख सकते हो, तो कार का पहले का मूल्य, पहले का मूल्य कितना था, 3,50,000 रुपये था, ठीक है, 3,50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाद में मूल्य बढ़ गया, ठीक है, तो कार का बाद में मूल्य, कार का बाद का मूल्य बराबर कितना हो गया, 3,70,000 रुपये हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुई, वृद्धि हुई, है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कैसे निकालना, तो हमें बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाना, 3,70,000 में से 3,50,000 को घटाना है, और घटाएंगे हम तो कितना आएगा, 20,000 रुपये आएगा, है ना। तो ये आपके क्या हुई, मूल्य में वृद्धि हुई, लेकिन अभी हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक, कैसे ज्ञात करना कि वृद्धि कितनी आई, 20,000 रुपये आई, पहले मूल्य कितना था, पहले हमेशा पहले मूल्य लिखा जाता है, जो भी पहला मूल्य होता है उसका ही हमेशा भाग दिया जाता है, ठीक है, तो पहले मूल्य था 3,50,000 रुपये, फिर हमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना है, तो यहाँ 2 0 से 2 0 गया, फिर यहाँ 2 0 से या ऊपर 2 0 गया, अब हमें क्या करना, 200 में 35 का भाग देना है,
जैसे ही हम भाग देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि 35 का पहाड़ा हमें आता नहीं, लेकिन दोनों में 5 का भाग जाता है। तो यहाँ 5 का भाग 5 चौक 20, और ये 0 40 बार जाएगा, और 7 5 35 नीचे जाएगा 7 बार। तो 5 का भाग 40/7 हो गया है ना। अब हम 40 में 7 का भाग देंगे, तो 7 5 35, पीछे बचा 5, ठीक है। अब लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 7 7 49, पीछे बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है आएगा 0, 7 1 7, पीछे बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है आएगा 0, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। यानी कि अगर ये तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा आता तो ये 1 का 2 हो जाता, ठीक है। लेकिन अब ये 1 का 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई वो हुई 5.71%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और अपनी कॉपी में नोट करना है ना। अब यहाँ पर हमारा जो उत्तर आ रहा है वो पॉइंट में नहीं आकर मिश्र बिंद में आ रहा है, ठीक है। तो उत्तर ये आपका सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन अब इसको मिश्र बिंद में बदलना है। तो हमने देखो 200/35 किया था, तो ऊपर कितना आया 40 और नीचे कितना आया 7, तो 40 में हमने 7 का भाग लिया, तो 7 5 35, और पीछे कितना बच गया 5। तो अब मिश्र बिंद में बदलने के लिए क्या करना, 5 सही 5/7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो सेकेंड उत्तर इसका क्या आएगा, 5 सही 5/7%। तो ये उत्तर भी आपका सही है और ये उत्तर भी आपका सही है, लेकिन आपके जो किताब में है वो उत्तर कौन सा आ रहा है, 5 सही 5/7%। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप बार बार मुझे कमेंट मत करो कि सर आप सारी वीडियो बनाओ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, मैंने उन सबको प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो मज़े से देख सकते हो, है ना। पांचवा प्रश्न है, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो देखो इसको मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आपको समझना है, ठीक है। तो जैसे पहले मान लो मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उस पर मुझे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसका मतलब है कि मुझे उसमें 20 रुपये मिले, है ना। तो वो कितने की हो गई वैल्यू, 120 रुपये की हो गई, यानी कि पहले वस्तु थी 100 रुपये की, 20% मुझे लाभ हुआ, तो मुझे वो कितने में, मुझे मैंने उसको बेची 120 रुपये में मैंने उसको बेची। अब ये 20 आया कैसे, 20% है। तो देखो ये 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर मुझे 20% का लाभ हुआ, यानी मुझे 100 का 20% निकालना है, ठीक है, यानी वो हिस्सा मेरा लाभ का हिस्सा आएगा। तो 100 गुणा का मतलब गुणा 20% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ठीक है, 100 से 100 कट गया, यानी मुझे लाभ कितना हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ, नहीं सॉरी 20 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी वो वस्तु कितने में पड़ी, कि वो पहले वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की थी, लाभ कितना हुआ, 20 का हुआ, तो मतलब मैंने उस वस्तु को कितने में बेचा, 120 रुपये में मैंने उसको बेचा। बात समझ में आई। तो ये अभी तो मैंने ये आपको प्रश्न समझाया है, अब इस प्रश्न को, इसी प्रश्न को कैसे करना है, देखो यहाँ पर तो टीवी का जो मूल्य है, टीवी का खरीदी, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। इस पर मुझे कितना लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, तो 10,000 का 20% हम निकालेंगे, तो 10,000 का की जगह गुणा, फिर 20% हटाएंगे तो 20/100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 100 का 20 से गुणा करेंगे, 100 × 20, तो कैसे करना गुणा देख लो, 1 का गुणा 2 से 2 1 2, फिर कितने जीरो है, 3 जीरो, तो ये 2,000 रुपये का मुझे क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। लेकिन ये तो लाभ है, मैंने उसको कितने में बेचा और कितना धन प्राप्त हुआ, बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, ठीक है, 2,000 तो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है ना, और मुझे बेचने पर वापस कितना धन, पूरा धन कितना प्राप्त हुआ, यानी विक्रय मूल्य कितना आया, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो धन प्राप्त हुआ, ठीक है, वो हमें बताना है, धन प्राप्त हुआ कितना हुआ भाई, कि टीवी का मूल्य कितना था, 10,000 रुपये था, ठीक
ठीक है, फिर उस पे मुझे लाभ कितना मिला, 2,000 का लाभ मिला, तो टोटल कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया। तो ये मेरा उत्तर होगा, है ना, यानी कि मुझे 12,000 रुपये धन कुल प्राप्त हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पहला तरीका प्रश्न कराने का। अब दूसरा तरीका इससे भी बढ़िया है, ठीक है, वो कैसे करना, देखो, माना, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है, माना जो क्रय मूल्य है, यानी जो टीवी का क्रय मूल्य है, टीवी मैंने 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, कितने में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी। अब मुझे उस पर क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, ठीक है, तो विक्रय मूल्य, यानी मैंने उसको कितने में बेचा, 120 रुपये में बेचा, क्योंकि मुझे 20% का लाभ हुआ, तो 100 का 20 कितना हो गया, 20, और 20 में मैंने 100 में जोड़ दिया तो कितना आ गया, 120 आ गया, है ना। अब देखो, अब ध्यान से समझना कि 100 रुपये किसके बराबर है। देखो, यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 100, और क्रय मूल्य प्रश्न में कितना है, 10,000, यानी ये 100 10,000 के बराबर है, ठीक है, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये 120 ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन 120 तो हमें दिया ही नहीं, तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, ये 10,000 ऊपर रखना है, ज्ञात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर ये 100 इधर जो है वो नीचे रखना है, और गुणे में करना है 120, ठीक है। तो जैसे ही 100, 10 से 10 कटेगा ऊपर, और यहाँ भी 10 कटेगा, तो 12 एकम 12, और ये कितने जीरो, 3 जीरो, तो मेरा सीधा उत्तर आ जाएगा 12,000 रुपये। बात समझ में आई, वापस समझो, ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब ये विधि आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे करना है, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में हमें इसका सहारा लेना होगा, ताकि प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें राशियों की तुलना करनी है, ठीक है, तो मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, उस पर मुझे कितना लाभ हुआ, 20%। तो देखो, जब मैं 100 की बात करता हूँ, तो आप इस प्रतिशत को भूल जाओ, जब भी 100 की बात होगी तो प्रतिशत भूल जाओ, कितना लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ, तो मैंने उसको कितने में बेचा, 120 रुपये में बेचा। तो ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य, और ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है, तो और ये आपका क्या है, यहाँ पर लाभ है ना। तो इसका मतलब ये जो 100 क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, कि ये क्रय मूल्य है, और ऊपर यहाँ 10,000 क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 100 जो है वो 10,000 के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें 120 ज्ञात करना, वो नीचे लिखना है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 120, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ज्ञात कैसे करते हैं, कि ये बराबर के इस तरफ जो 10,000 है वो ऊपर रहेगा, तो ये 10,000 हो गया ऊपर, फिर बट्टे में ये जो 100 है वो रहेगा नीचे, और ये जो 120 है वो यहाँ गुणे में 120 आ जाएगा, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, फिर देखो 12 का 1 से गुणा 12 एकम 12, और ये 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे, तो ये 12,000 रुपये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और ये सीधा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, बस इतने में से। बात समझ में आई, ऐसे हम प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर, ठीक है, बेचती है, यानी विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य आपका, बेचती है, और 20% की हानि उठाती है, और उसको लॉस हो जाता है 20% का, तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी। तो मैं पहले शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ, कि मान लो कि उसको 20% की हानि हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मान लो अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपये होता, ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी कितनी हानि हुई, 20 की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 80 हुआ, है ना, यानी 100 रुपये में मशीन खरीदती है, और 20 रुपये का उसको नुकसान हो जाता है, तो वो कितने में बेचती है, 80 रुपये में बेचती है। तो अब ये 80 किसके बराबर है भाई, ये 80 जो है वो, ये आपका क्या, 13,500, ये आपका विक्रय मूल्य है ना, तो ये 80 जो है वो 13,500 के बराबर है, यानी जो पिछली बार हमने किया था वैसे ही 80, ये 80 किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर 13,500 के बराबर आ रहा है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य यानी कि 100 ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, 13,500 ऊपर, 80 नीचे, और गुणा में 100, 10 से 10 काट दो। अब हम 13,500 में 8 का भाग देंगे, तो 13,500 में हमें भाग देना है 8 का, 8 एकम 8, पीछे बचे 5, और यहाँ पर नीचे उतारेंगे 5, फिर
आन छंग 48 है ना, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 में से 48 गया तो आएगा आपका 7 है ना। और फिर आगे की संख्या उतारेंगे 0, फिर 8 9 72 तो 8 8 64 64, तो 10 में से 4 गया कितना बचा 6, और 6 में से 6 गया 0। अगला हम 0 उतारेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर 7 8 56 7 बार भाग जाएगा, पीछे बचेगा 4, अब आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 8 5 40 तो यहाँ हमारा ऊपर कितनी बार भाग गया 16 87.5 और गुणे में हमें करना है 10, और जैसे ही मैं 10 का गुणा करूँगा तो ये पॉइंट यहाँ पीछे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16875, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये होगा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो ये शॉर्ट तरीका है ना, ये भी आपको समझना ज़रूरी है और जो अब मैं बता रहा हूँ वो भी समझना ज़रूरी है। तो देखो ये उसने क्या करी, बेची है ना, तो मशीन का विक्रय मूल्य, मशीन का विक्रय मूल्य कितना है, मशीन का विक्रय मूल्य है 13,500 रुपये ठीक है, और उसने क्या करा 20% की हानि हुई, किस पर हुई, इस पर हुई है ना, क्योंकि उसने 13,500 रुपये में बेची है। एक मिनट रुको, विक्रय मूल्य पर हानि और लाभ कभी नहीं होता, किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब ये 20% इस पर नहीं होगा, 20% किस पर होगा, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो अब क्या करें, हमारे पास वही तरीका है जो अभी मैंने बताया, तो चलो अब इसको कैसे करना है इसको समझो। तो देखो विक्रय मूल्य माना, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माना जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 80 रुपये, क्योंकि 20% उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, बात समझ में आई। अच्छा अब हमें क्या ज्ञात करना है कि भाई विक्रय मूल्य किसके बराबर है, कि भाई 80 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 80 आपका आ रहा है 13,500 के बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य 80 है और ये भी आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, तो ये 80 13,500 के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 100, तो इधर तो आ रहा है 100 लेकिन इधर कितना आएगा, तो 13,500 ऊपर 80 नीचे और गुणा में कितना आएगा 100, 10 से 10 कट गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलो वापस कर देता हूँ, देखो 13,500 ठीक है, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये 0 भी यहाँ आ जाएगा, दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, फिर बट्टा 8 ठीक है। अब इसका भाग देंगे 13,500 और ये 10 और है, 135,000 में 8 का भाग देंगे तो 8 1 8 पीछे बचा 5, ये भी 5, फिर यहाँ आएगा आंचंग 48, पीछे बचा 7, उतारेंगे 0, 7 8 56 सॉरी 8 8 64 8 बार भाग जाएगा तो अब कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 6, फिर 10 और उतारेंगे 7 8 56 पीछे बचा 4, और ये वाला 0 भी अब नीचे आ जाएगा, और 8 5 40 है ना, तो भाग कितनी बार गया 16875 बार, 16875 बार। तो ये हमारा जो होगा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। प्रश्न संख्या 7 है, चौक पाउडर में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है, इसमें कार्बन का प्रतिशत बताइए, यहाँ सी ए कैल्शियम, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, आप बुक में देखना पूरा लिखा हुआ है ठीक है। तो हमें इसमें किसका प्रतिशत बताना, केवल कार्बन का, तो ये अनुपात वाले प्रश्न हमें प्रश्न संख्या 2 में करे थे है ना। तो देखो ये कैसे करना है, ध्यान से देखना इसको। तो पहला है कि आपके यहाँ कैल्शियम अनुपात, कार्बन अनुपात, ऑक्सीजन, तो कैल्शियम कितना दे रखा है 10:3:12, तो कैल्शियम कार्बन का अनुपात कितना है 3। हम कैसे इसको करते थे कि सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कुल भार, तो कुल भाग है ना, कुल भाग, तो कुल भाग कितना है 10+3+12, इन तीनों को जोड़ दो तो कुल भाग आपका आएगा निकल के 10 और 3 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, तो कुल भार आपका कितना आ गया 25, कुल भार कितना आ गया, भाग आ गया 25। अब हमें किसका प्रतिशत निकालना है, कार्बन का, तो कार्बन का जो प्रतिशत है
कार्बन का प्रतिशत। वो कैसे निकालना कि कुल कितना भाग है 25, उसमें से कार्बन का कितना हिस्सा है 3। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करो, 100 का गुणा। अब 25 के पहाड़े में 25 एकम 25, 25 चौके 100, ऊपर कितना बचा 3 × 4, तो 3 × 4 कर दो तो कितना हुआ 12%, यानी कार्बन का प्रतिशत कितना आया 12%। अब सेकेंड वाला क्या कहता है, देखो सेकेंड वाला है कि चौक की एक छड़ में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा, है ना। तो यहाँ वापस इसको लिखते हैं, कैल्शियम अनुपात, कार्बन अनुपात, ऑक्सीजन। कैल्शियम का अनुपात कितना है 10, कार्बन का 3 और ऑक्सीजन का 12। अच्छा कार्बन का भार कितना है, कार्बन का जो भार है वो आपके 3 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ भी कितना है 3 ग्राम है, तो कुल भार कितना होगा, कुल भार बराबर 25 ग्राम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर 3 है तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। अगर यहाँ कुछ और राशि होती तो हम राशियों की तुलना करके इसको निकालते, लेकिन क्योंकि यहाँ भी 3 आ रहा है यहाँ भी 3 आ रहा है तो कुल भार कितना आएगा, इन सबको जोड़ दो कितना आएगा 25 ग्राम आएगा, है ना। प्रश्न संख्या 8 है, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य माना, मानकर करेंगे इसको, है ना, माना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, हम पहले इसको 100 रुपये मानते हैं। कितनी हानि हुई 15%, तो 100 का 15% कितना हुआ 100/15/100, 100 से 100 कट गया 15 रुपये, यानी 15 रुपये का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य आपके 15% की हानि हो गई। इसका मतलब 100 में से 15 गया, कितना बचा 85, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें कौन सी राशि किसके बराबर दी, तो देखो ये 275 क्या है, खरीद कर, यानी ये क्रय मूल्य है, ठीक है। तो 275 क्रय मूल्य है ना, यहाँ पर हम 100 भी क्या है क्रय मूल्य, तो 100 किसके बराबर हुआ, 100 आपके बराबर हुआ 275 के, है ना। और हमें क्या ज्ञात करना, 85 यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, 275 यहाँ बराबर कर दो, 275/100 नीचे और गुणा में यहाँ 85 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हम ऊपर गुणा करके फिर 100 का भाग कर देते हैं, यानी 275 × 85/100 कर दो, 100 का भाग देना आसान रहता है। तो मैं यहाँ 275 का 85 से गुणा करता हूँ, 5 × 25 हसल के 2, 7 × 5 35, 35 × 2 37 हसल के 3, 5 × 2 10 और 3 13 गुणा 8 × 5 40 हसल के 4, 7 × 8 56 और 4 60 हसल के 6, 8 × 2 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 7 3 3 और 2, तो हमारा उत्तर आया 23375, 23375। और नीचे कितना है 100, यानी ऊपर से दो संख्या छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट। तो हमारा जो उत्तर है उसको वापस लिख दो, और यहाँ 2 0 है तो यहाँ पीछे से दो संख्या छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट। तो ये जो आपके 233.75 रुपये है वो आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना निकला, विक्रय मूल्य आपका निकला 233.75 रुपये, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपको रफ कॉपी में करना है ना, ये काम आपको रफ कॉपी में करना है। प्रश्न संख्या 9, आपका इसमें पूरा ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पूरा अलग है ना। प्रश्न संख्या 9 है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद मिश्रधन देय होगा। अब ये मिश्रधन होता क्या है इसको समझने की पूरी कोशिश करना है ना, मैं भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कि मान लीजिए आप 100 रुपये आपके पास में है, ठीक है, कितने रुपए है आपके पास में 100 रुपये, तो जितने रुपए जिसके पास होते हैं उसको हम मूलधन कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलधन। और इस मूलधन को मैं पी से लिखूँगा, किस से लिखूँगा, पी से। तो 100 रुपये आपके पास है यानी वो आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। आपने ये 100 रुपये अपने दोस्त को उधार दिए, क्या करे, उधार दिए, ठीक है, कितना रुपया दिया 100 रुपये दिया।
लेकिन कितने साल के लिए लिया? तो यहाँ पर आएगा समय। तो मान लो आपने 3 वर्ष के लिए अपने दोस्त को पैसे उधार दिए, तो यहाँ समय के लिए मैं टी का यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा? टी का। तो 100 रुपये आपने 3 साल के लिए अपने दोस्त को उधार दिए, इसके बदले में आप 3 साल बाद उससे कुछ रुपए वापस लोगे। क्या करोगे? वापस लोगे। मान लो आपने 100 रुपये उधार दिए और लास्ट में आपने 120 रुपया उससे वापस लिया, ठीक है, या एक साल कर देता हूँ यहाँ पे, कितना है, 1 साल के लिए कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 साल बाद वो आपको वापस 120 रुपये देता है, कितना देता है, 120 रुपये। तो वो वापस जो धन लौटाता है उसको हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। इसको मैं ए से लिखूँगा, किससे लिखूँगा, ए से। तो ये मिश्र धन आपको लौटाता है, यानी 100 रुपये आपका मूलधन हो गया, उसने आपको 120 रुपये वापस लौटाया। तो बताओ 120 में से 100 गया, यानी 20 कितना हुआ, 20%, यानी आपने उससे कितना धन वसूला, 20% धन वसूला, है ना। तो ये 20% जो है वो आपकी दर हो गई, इससे मैं आर से लिखूँगा, वो आपकी क्या हो गई, दर हो गई। यानी 100 रुपये आपने, आपके पास थे, आपने अपने दोस्त को 1 साल के लिए उधार दे दिए, 1 साल बाद उससे आपने 120 रुपये लिया, इसका मतलब आपने 20% की दर से पैसा उधार दिया था। यहाँ तक समझ में आया? अब इन प्रश्नों को करने के लिए एक सूत्र चाहिए। जैसे मान लो साधारण ब्याज आपको निकालना है, यानी कि हम ब्याज पर जो है उधार देते हैं, तो इसको हम कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। अब साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, ब्याज निकालने का सूत्र होता है कि पी गुणा आर गुणा टी बट्टा 100, ठीक है, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 करने पर आपका क्या निकल जाता है, ब्याज निकल जाता है। यानी कि ये 100 और ये 120, तो बताओ आपने कितना ब्याज लिया उससे, 20 रुपये का ब्याज लिया, 120 में से 100 गया, यानी कितना ब्याज लिया उससे, 20 रुपये का ब्याज लिया। अब ये 20 रुपये का ब्याज कितना पड़ता है, 20% पड़ता है। तो आपको थ्योरी पूरी समझ में आ गई, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न में देखो मूलधन कितना है, ए, ठीक है, ए में आपका मूलधन कितना है, 12,000 रुपये है, ये रहा, है ना। फिर दर कितनी, यानी आर, आर कितना है, 12% है। फिर टी, समय कितना ऊपर दे रखा है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें पहले ब्याज ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। और वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी गुणा आर गुणा टी बट्टा 100, ठीक है। अब यहाँ पी आर टी की जगह आप मान रख दो, है ना, यानी ये बट्टा का बट्टा हो गया, नीचे 100 हो गया, है ना। अब देखो पी, तो पी की जगह आपको रखना है 12,000 रुपये, फिर यहाँ गुणा तो गुणा, आर कितना है 12, तो यहाँ 12 रखना है, और गुणा टी, टी कितना है 3। अब देखो ये प्रतिशत हटकर नीचे कितना आ गया, 100, तो इसको हमें ऐसे लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं बचा, अब इनको गुणा कर लो, तो 12 और 12 का गुणा हो गया 144, और ये 0 बच गया, तो ये आ गया 0। फिर वापस गुणा 3 का करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, तो ये 0 का 0, 4 3 12, हसल का 1, 12 और 1 13, हसल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी हमारा जो ब्याज बना है वो बना है 4,320 रुपये, ठीक है। इसको देखो, इसको कैसे करना है एक बार पूरा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। अब 120 का गुणा 12 से और फिर 13 से करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना, जो भी गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा अपना, एक सेकेंड रुको, यहाँ 12,000 नहीं है, 1200 है ना, वापस मैंने प्रश्न देखा है बुक में, तो वो कितना है, 1200 है, तो यहाँ पर 1200 ही आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 गुणा 12 गुणा 13 करेंगे, तो गुणा करने पर कितना, गुणा करने पर आएगा 432 रुपये। तो ये आपका क्या है, ये आपका ब्याज है, क्या है, ब्याज, ठीक है। तो आपने कितनी राशि लौटाई उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धन। और मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो इसमें मूलधन और ब्याज को जोड़ दो, तो जैसे ही मूलधन में ब्याज जोड़ोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो मूलधन कितना है, मूलधन आपका 1200 रुपये है, ब्याज कितना बना, यानी आप कितना रुपये उससे 3 साल बाद में उधार दिया हुआ धन का अतिरिक्त धन ले रहे हो, 432 रुपये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो तो देखो 0 और 2 2,
ये तीन, चार और दो छः, यानी 1,632 रुपये 3 साल बाद उससे आप लोगी। इस ऐसे हमें जो है मिश्रधन ज्ञात करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम ये दूसरा वाला करेंगे। बी है उसमें मूलधन, यानी कि पी आपको कितना दिया हुआ है, 7,500 रुपये। फिर दर कितनी है, यानी आर कितना है, 5%, और समय कितना है, 3 वर्ष, है ना। अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र है पी गुणा आर गुणा टी बट्टा 100। ठीक है, तो पी यानी मूलधन कितना है, 7,500 रुपये, आर कितना है 5, टी कितना है 3, और नीचे बट्टा 100। तो 100 से 100 कट गया, सबका गुणा करा दो तो 75 का 5 से गुणा कराओ, 5 25 असल के 2 7 5 35 और 2 37। अब 3 से गुणा कराओ तो 5 3 15 असल का 1, 7 3 21 और 1 22 असल का 2, 3 3 9, 9 और 2 11। यानी साधारण ब्याज आपका कितना बना, 1,125 रुपये। तो ये आपका क्या है, ब्याज है, यानी ये आप उससे 3 साल बाद, उधार कितना दिया आपने, 7,500 रुपये दिया, ब्याज कितना बना 1,125, तो आपको वो कुल कितना देगा, तो ये आपका होगा मिश्रधन। मिश्रधन कैसे ज्ञात करना, मूलधन प्लस ये आपका ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा। मूलधन कितना है, 7,500 रुपये, ब्याज कितना बना 1,125 रुपये, दोनों को जोड़ो, 5 2 फिर 5 और 1 6, 7 और 1 8, तो 8,625 रुपये जो है आपका मिश्रधन, यानी 3 साल बाद आपको वो इतने रुपए लौट आएगा। समझ में आया। प्रश्न संख्या 10 है, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। प्रश्न समझो, यानी 56,000 आपको किसी को उधार देना है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, किस दर पर। अब यहाँ दर हमको नहीं दिया है ना, आर हमको नहीं दिया, लेकिन 280 रुपये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमको दे दिया। ठीक है, देखो सुधार सूत्र क्या था अपने साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का हमारा सूत्र था, ध्यान से देखना, पी गुणा आर गुणा टी बट्टा 100। लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना, आर ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर का जो सूत्र है, यानी दर ज्ञात करने का सूत्र, वो आपको याद होना चाहिए। तो दर पहले मैं ये लिख देता हूँ, मूलधन कितना, तो देखो पी कितना है, 56,000। ठीक है, ये आपका मूलधन है। फिर यहाँ दर हमें ज्ञात करनी है, समय कितना है, 2 वर्ष है, लेकिन अब हमें क्या दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, तो साधारण ब्याज कितना दिया, 280 रुपये दिया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। अगर मैं साधारण ब्याज को यहाँ पर, ठीक है, आई लिख दूँ, क्या लिख दूँ, आई, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई, साधारण ब्याज मतलब एस आई। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 100 यहाँ पर किस में, भाग में, तो वो गुणा में चला जाएगा, तो एस आई गुणा 100। ठीक है, फिर बट्टा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, गुणे में है तो भाग में आ जाएंगे, यानी पी गुणा टी, यहाँ क्या बचा, आर, तो ये आर का सूत्र बन जाएगा। या तो याद रखो या फिर ऐसे आप कर लो समीकरण, है ना। तो यहाँ सूत्र क्या बना हमारा आर का, आर बराबर 100 गुणा एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बट्टा पी गुणा टी। तो यहाँ 100 गुणा एस आई यानी साधारण ब्याज कितना है, 280 रुपये, बट्टा पी कितना है, 56,000 गुणा टी कितना है, 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व करना है अपना, तो यहाँ देखो 2 0, 1 0 यहाँ से गया और 1 0 यहाँ से गया, है ना। फिर 28 एकम 28, 28 दूना 56, तो नीचे कितना बच गया, 20, तो 1 0 से वापस 1 0 चला गया। ठीक है, अब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4, तो यहाँ बचा 1/4, 1/4 यानी कि 1 में हमें 4 का भाग देना है, तो 4 एकम भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, 4 दुनिया 8, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 5 24, यानी उत्तर आया 0.25%। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारी दर होगी। प्रश्न संख्या 11 है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में, ये ब्याज है आपका, ब्याज के रूप में उसने कितना धन उधार लिया। तो यहाँ पर आपका मूलधन तो है ही नहीं, यानी मूलधन आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, रेट कितनी है, 9% दी हुई है अपने को,
समय कितना है, 1 वर्ष है, ठीक है। और ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, SI, ब्याज को SI से लिखना, ठीक है, वो कितना दिया, तो वो 45 रुपये दिया। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है, पी ज्ञात करना आपकी बात। तो मेरे SI का सूत्र क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बट्टा 100। अब की बार आपको ये पी ज्ञात करना है, तो पी को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो SI है, 100 बट्टे में है यानी भाग में है, तो इधर गुणे में आएगा, ये दोनों गुणे में है तो नीचे भाग में आएंगे, आर गुणा टी, तो इधर क्या बच गया, पी। ये पी का सूत्र हो जाएगा, या तो याद रखो या ऐसे कर लो मेरे जैसे। तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला आया यानी मूलधन का फॉर्मूला आया, वो क्या आया, SI गुणा 100 बट्टा R गुणा टी। मान लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 45 गुणा 100 बट्टा, आर कितना है, 9 गुणा टी कितना है, 1। अब देखो 9 के पहाड़े में 45 आता है, तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, है ना। तो ये 5 बार गया, यानी कि 5 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये। और ये आपका क्या होगा, मूलधन। तो 500 रुपये आपका मूलधन आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।